अतिथि शिक्षक संघ ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अतिथि शिक्षक संघ ने रैली निकालकर शिवराज सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। जबलपुर में शिवराज सरकार के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सीएम शिवराज सरकार ने 2 सितंबर को अतिथि शिक्षकों की पंचायत बुलाकर कई घोषणाएं की थी, लेकिन उन घोषणाओं का आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिससे वो परेशान है। अतिथि शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें परमानेंट किया जाए। नहीं, इनकी मांगे हैं कि इनको अनुभव वरिष्ठता के आधार पर विभागीय परीक्षा आयोजित कराने की एक मांग है इनकी, और 12 मास के अनुबंध की एक दूसरी मांग है इनकी, और अतिथि शिक्षक की शिक्षक भर्ती में 50% रिजर्वेशन की मांग है, बोनस अंक दिए जाने की भी मांग है। तो इस प्रकार के से इनकी मांगे हैं। हमारी पहली मांग तो थी पदस्थाई की, तो पदस्थाई तो किया नहीं गया है। बाकी जो उन्होंने किया कि 50% का जो आरक्षण था वो हम देंगे, 1 साल का अनुबंध होगा वो भी होगा, तो वो भी नहीं हुआ है। 20 अंक जो बोनस के दिए जाएंगे, ये सब वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों का किसी भी बात पर अमल अभी तक नहीं हुआ है, ना ही कोई आदेश जारी हुए हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।